हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमंत मौर्य। आप सभी का मेरे चैनल में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसका यूज़ करके आप एक अच्छा अपने वीडियो की ग्रोथ कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल में अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में आया कि सर मेरा जो एक वीडियो वगैरह मैं उसको जब एडिट करता हूं तो वहां पर वीडियो की जो क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और उसको जो मैं वीडियो शूट करता हूं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से करता हूं। तो मैंने सोचा जब मैंने उस कमेंट को देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऐसी दिक्कतें आती हैं जब आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से या कैमरे से, आप अगर कैमरे से करते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती है, और जो एंड्रॉयड फ़ोन से यूज़ करते हैं वो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप अपना जो कैमरा है वो मोबाइल का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसका अगर यूज करके करते हैं तो वही उसमें लिखा हुआ था कि सर मैं जो एंड्रॉयड फ़ोन से करता हूँ और जो मेरा कैमरा फ़ोन का है उससे करता हूँ। तो मैंने फिर उसको देखा क्या होता है, इससे पहले मैंने भी स्वयं यूज किया, उसमें क्या है जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो कैमरा होता है डिफ़ॉल्ट कैमरा, तो उसमें क्या होता है उसमें वो फीचर्स नहीं होते हैं और वो अपने अनुसार काम करता है जो फिक्स किया होता है, और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है और आप वीडियो वगैरह शूट करते हैं और एडिटिंग करने के टाइम वह दिक्कत करता है। कई ऑडियो क्वालिटी कई पिक्चर चिपकती है तो वो इसमें वीडियो एडिट करने में दिक्कत आती है। अगर मैं आपके लिए एक सजेशन बताने जा रहा हूँ जो कि आपको उसके लिए, अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आप ओपन कैमरा करके एक एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कीजिए, और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो भी अपने वीडियो शूट करता हूँ वो सब ओपन कैमरा पर ही करता हूँ। जो इस समय वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो ओपन कैमरा करके जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ करके कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन का बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अगर आपको कोई जो ऑडियो वीडियो जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट कर लेता है, और जो आपका माइक्रोफोन वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं जैसे कि मैं लगे हुए दिख रहा होगा, तो जो ऑडियो के लिए यहाँ पर माइक्रोफोन लगाया तो ये अपने आप उसको सिलेक्ट कर लेता है, और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आती है। और जब इससे हम वीडियो पूरा शूट करते हैं तो यहाँ पर जब एडिट करते हैं तो ना ऑडियो की क्वालिटी आती, मतलब यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी वो बहुत अच्छी रहती है और जो वीडियो है वो चिपकता नहीं है आपका, क्योंकि आपको जब वीडियो एडिट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको करना पड़ता है, कहीं से मतलब जो वीडियो में कहीं पॉइंट देने पड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा एडिट करना पड़ता है, वहाँ से चिपकने की दिक्कत नहीं आती है, और यहाँ से जो परफॉर्मेंस है अच्छी रहती है। आप चाहें तो यहाँ पर जो कस्टम सेटिंग है उसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप जैसा चाहते हैं, आपको लगता है कि डिफ़ॉल्ट ऑडियो सही है तो आप रख सकते हैं, मेरे माइक्रोफोन वगैरह जो भी है उसका ऑडियो रख सकते हैं, और वहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है आप फुल HD अल्ट्रा HD या जो आपको लगता है HD के तौर पर आपको वैसे रख लेना है। और एक वीडियो शूट करने के लिए आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कैमरे की जरूरत हो, अगर आपका मोबाइल कैमरा है तो वही यहाँ पर यूज कर जाता है आपके लिए, उसके लिए कुछ एप्लीकेशन जैसे मैं ओपन कैमरा बताया आप इनका यूज़ कीजिए, आपको जो पूरा बेनिफिट मिलेगा, और वीडियो क्वालिटी आपका उस पर इतना ज़्यादा फोकस स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नए यूट्यूबर्स हैं तो आपके लिए सबसे पहले जो आपका कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है, जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम भी चल जाती है लेकिन वीडियो क्वालिटी भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, मगर आप वीडियो क्वालिटी अच्छी रख पाते हैं नहीं रख पा रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप जो चाहते हैं कि आपको फ़ोन आपका अच्छा है और वहाँ पर वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है, अगर आप कैमरा वगैरह यूज करते हैं तो कैमरा से तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कैमरे से मोबाइल कैमरे से करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रहता है, लेकिन वहाँ पर जो आपका वीडियो है वो सही होना चाहिए और वहाँ पर आपका जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा कम भी होगा तो वो चल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसे ही कुछ टिप्स वगैरह हैं, और बाकी जो मैं बात करने वाला हूँ आपको और भी एप्लीकेशन है, और भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं तो आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब से संबंधित बहुत सारे आपको मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आप देख लेना। और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर ऑडियो वीडियो की जो क्वालिटी की बात की और जो आपको बताई हैं टिप्स तो उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।